हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है एलईडी बल्ब रिपेयर। मेरे पास एक एलईडी बल्ब रिपेयर के लिए आया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक एलईडी बल्ब रिपेयर के लिए आया हुआ है जो कि यह क्रोमटॉन कंपनी का है और 9 वाट का है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये हमारा एक एलईडी बल्ब है जो कि 9 वाट का है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसको सबसे पहले होल्डर में लगाकर चेक कर लेते हैं इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम है। एक मैंने एक स्विच बोर्ड बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये हमारा एक सीरीज बोर्ड है, इसको मैंने खुद बनाया है। इसी में एलईडी बल्ब को चेक करके देखते हैं कि इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम है। एमसीपीसीबी एलईडी किट में प्रॉब्लम है कि ड्राइवर सर्किट में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस बल्ब को होल्डर में लगा लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। इसके बाद मैंने इस बल्ब को होल्डर में लगा लिया है। अब इस एलईडी बल्ब को चेक करते हैं। सबसे पहले स्विच को ऑन कर लेते हैं। तो यह आप देख सकते हैं, ये हमारा जो एसएमडी एलईडी है धीमा ग्लो कर रहा है, धीमा धीमा जल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कम ग्लो कर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस ड्राइवर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। मल्टीमीटर से मैं आपको इसका ड्राइवर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज चेक करवा देता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये हमारा एक मल्टीमीटर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं डीसी रेंज में 200 वोल्ट में सेट कर लेता हूं। उसके बाद इस एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट को चेक करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद हमको कंफर्म पता चलेगा किसमें प्रॉब्लम है, कि एमसीपीसीबी एलईडी किट खराब है कि ड्राइवर सर्किट खराब है। तो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इस ड्राइवर सर्किट में लगाने पर जो प्लस का पॉइंट है वो रेड वायर और जो माइनस का पॉइंट है वो ब्लैक वायर को लगाकर टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने मल्टीमीटर से दोनों प्रोब को कनेक्ट कर लिया है ड्राइवर सर्किट के। अब स्विच को ऑन करके देखते हैं कितना वोल्टेज शो कर रहा है। यहाँ पर मल्टीमीटर में 105 के आसपास वोल्टेज शो कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा ड्राइवर सर्किट ओके कंडीशन में है और इसका एमसीपीसीबी एलईडी किट खराब हो चुका है। मैं आपको चिमटी के माध्यम से भी एक बार एसएमडी एलईडी को भी चेक करवा देता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक चिमटी है जिसको आप लोग ट्वीजर भी बोलते हैं, और ये हमारा एक इंसुलेटेड ट्वीजर है, चिमटी है। मैंने इसको टेप से लपेट लिया है। अब इसी में से हम एसएमडी को 1x1 करके चेक करेंगे, मतलब शॉर्ट करके चेक करेंगे। अगर जिस एसएमडी एलईडी को शॉर्ट करने पर एलईडी ग्लो हो जाता है तो ही एसएमडी एलईडी खराब है। जैसे कि इस एलईडी बल्ब में टोटल 9 एसएमडी एलईडी लगा हुआ है और यह 9 वाट का एलईडी बल्ब है।
तो वन बाई वन करके चेक करके देखते जाएंगे, इस तरह चिमटी से सॉर्ट करेंगे, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि इस तरह सॉर्ट करते जाना है। अगर जिस SMD LED को शॉर्ट करने पर LED ग्लो हो जाएगा, वही SMD LED खराब है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट करके। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला SMD LED खराब है, जिसके कारण ये हमारा SMD LED को शॉर्ट करने पर LED बल्ब ग्लो हो जा रहा है, जल जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यही हमारा SMD LED खराब है, जिसके कारण शॉर्ट करने पर ये MCPCB LED किट ग्लो हो जा रहा है। अब हमको कंफर्म पता चल गया कि इसमें MCPCB LED किट खराब है और ड्राइवर सर्किट ओके कंडीशन में है। तो मैंने एक खराब LED बल्ब से मैंने एक MCPCB LED किट निकाला है, तो इसी को लगाकर रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये हमारा खराब हो चुका है MCPCB LED किट, इसको निकाल कर इस वाले MCPCB LED किट को लगाएंगे और टेस्ट करके देखते हैं। ये मैंने पुराने LED बल्ब से निकाला है। इस MCPCB LED किट को निकाल लेते हैं, दो स्क्रू लगे उसको अनस्क्रू कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर के मदद से। आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक MCPCB LED किट लगा लिया है, आप स्क्रू के साथ टाइट कर लिया है। आप बचा है सोल्डरिंग करना, जो कि प्लस है उसको रेड वायर में और जो माइनस है उसको ब्लैक वायर में सोल्डरिंग करेंगे, उसके बाद चेक करके देखते हैं। ये मैंने दोनों वायर को सोल्डरिंग कर लिया है, अब बारी है चेक करने की। मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ और एक बार फाइनल टेस्ट करके देख लेंगे। इसको मैंने फिर से होल्डर में लगा लिया है, आप इसको चेक करके देखते हैं कि ये बल्ब ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले स्विच को ऑन करते हैं। ये हमारा LED बल्ब ओके हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये हमारा LED बल्ब बन के तैयार हो चुका है, जैसे कि देख पा रहे हैं, अच्छे से ग्लो कर पा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और एक बार डिफ्यूजर लगाकर एक बार फाइनल टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा LED बल्ब बन के तैयार हो चुका है, एक बार फाइनल टेस्ट कर लेते हैं। डिफ्यूजर लगाकर मैंने एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा LED बल्ब ओके हो चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।